हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDST ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेक बोर्ड क्लास 7 का अगला वीकली टेस्ट साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी का अगला वीकली टेस्ट 13 जुलाई को होने वाला है और 13 जुलाई को आप सभी का साइंस और इंग्लिश का वीकली टेस्ट होगा। इस वीडियो में आप लोगों को साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी से टोटल 10 MCQ और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेस्ट से पहले और एक सेट में आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दोनों वीडियो देख लीजिएगा तो आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है, किसमें किसमें आवश्यकता होती है बताना है। पहला ऑप्शन श्वसन प्रक्रिया में, दूसरा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, तीसरा उत्सर्जन प्रक्रिया में, चौथा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में पौधे को जल की आवश्यकता होती है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण में भी जल की आवश्यकता होती है, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा ज्यादा सटीक आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, जल की कमी के लिए क्या उत्तरदायी नहीं है। पहला ऑप्शन है बढ़ती जनसंख्या, दूसरा वनों की कटाई, तीसरा अत्यधिक वर्षा, चौथा औद्योगिकीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है 2024 का CMMSS एग्जाम में, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना का परीक्षा में, जिसका आप सभी को क्लास 8 में फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। और हर एक साल ₹12,000 स्कॉलरशिप मिलता है, क्लास 8 में जब आप जाइएगा तो फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है इस बार 2024 में, देखिए कितना ईजी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, जल निम्न में से कौन से द्रवीय अवस्था में नहीं पाया जाता है। जल निम्न में से कौन से द्रवीय अवस्था में नहीं पाया जाता है। पहला हिमपात, दूसरा झील का पानी, तीसरा नदी का पानी, चौथा जलवाष्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है, हिमपात है। हिमपात ये द्रव्य नहीं है, ये क्या है, ये आपका ठोस है। अब देखिए नेक्स्ट चार नंबर, चार नंबर के क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी, जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। पहला ऑप्शन है वायु में यानी कि हवा में, दूसरा ऑप्शन है भूमि में, तीसरा जल में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जल में। जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम जल में हुई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला पांच नंबर, जलीय ग्रह कहा जाता है, जलीय ग्रह किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बुध को, दूसरा पृथ्वी को, तीसरा मंगल को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला छः नंबर, अम्ल वर्षा का कारण है, अम्ल वर्षा का कारण कौन सा है। पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा भूमि प्रदूषण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वायु प्रदूषण, CO2 और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर वायु प्रदूषण होता है और इसी से अम्ल वर्षा होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला सात नंबर देखिए, दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा अधिक होती है, दुगुनी होती है, कम होती है या बराबर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला आठ नंबर, वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। पहला ऑप्शन है जीवाणु से, दूसरा विषाणु से, तीसरा दीमक से, चौथा केचुआ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, केचुआ से वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला नौ नंबर, जैव अनिम्नीकृत कचरा का उदाहरण है, जैव अनिम्नीकृत कचरा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है फलों के छिलके, दूसरा ऑप्शन है मलमूत्र, तीसरा ऑप्शन है पौधों के अवशेष, चौथा ऑप्शन है पॉलिथीन की थैलियां। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पॉलिथीन की थैलियां, जैव अनिम्नीकृत कचरा का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट दस नंबर की ओर, दस नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा दूषित जल
उपचार के उत्पाद हैं। पहला ऑप्शन है बायोगैस, दूसरा स्लज कीचड़, और तीसरा ऑप्शन है बायोगैस एवं स्लज, चौथा जलवाहक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, स्लज यानी कि कीचड़। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, मनुष्यों के विभिन्न गतिविधियों द्वारा जल को दूषित करने के कारण कई जल जनित बीमारियां फैलती हैं, निम्न में से कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है? पहला ऑप्शन है हैजा, दूसरा टाइफॉइड, तीसरा दमा, चौथा पेचिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दमा, जल जनित बीमारी नहीं है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जितना भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया है सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जल जनित किन्हीं दो रोगों के नाम लिखें। पहला हैजा और दूसरा टाइफॉइड, और दो एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, पेचिस और पीलिया। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में दो पूछे या तीन पूछे या चार पूछे, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर। देखिए दूषित जल क्या है, यह कहाँ से निकलता है, यह कहाँ कहाँ से निकलता है? तो इसका उत्तर देखिए, किसी बाह्य कारक द्वारा जल के प्राकृतिक गुणों में हानिकारक परिवर्तन आता है तो इस जल को दूषित जल कहते हैं। यह उद्योग, होटल, अस्पतालों, घर, स्कूल आदि जगहों से निकलती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, जैव निम्नीकृत कचरे के तीन उदाहरण दे। जैव निम्नीकृत कचरे के तीन उदाहरण बताना है जो मिट्टी में मिल जाता है। पहला ऑप्शन है घरेलू वाहित मल जल, दूसरा कागज, तीसरा लकड़ी। ये सभी जैव निम्नीकृत कचरे हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए चार नंबर, चार नंबर का क्वेश्चन है, खुली नालियों के जाम होने का मुख्य कारण क्या है? खुली नालियों के जाम होने का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है खुली नालियों के जाम होने का मुख्य कारण ठोस कचरा है, जैसे पॉलिथीन, कपड़ा इत्यादि। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला पांच नंबर, दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है? दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर देखिए, जल का महत्व, पहला जल मनुष्यों, पौधों और जंतुओं के अस्तित्व तथा विकास के लिए आवश्यक है। फिर देखिए दूसरा, जल मनुष्य को पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, जल सिंचाई का साधन है। फिर देखिए, जल से विद्युत बनाई जाती है, जल से जल विद्युत बनाई जाती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला छठा नंबर, देखिए जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट करें, किस प्रकार से आप जल को सुरक्षित रख सकते हैं, जल का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, जल संरक्षण की विधियां, पहला तालाब एवं नहरों का निर्माण करके, दूसरा टैंकर के द्वारा पानी दूसरे स्थान पर पहुंचाकर, तीसरा गांव में डोबा का निर्माण करके, और चौथा बांधों का निर्माण करके। तो ये बहुत सारी विधियां हैं जिसके थ्रू से हम लोग जल को संरक्षित कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सात नंबर, देखिए ड्रिप सिंचाई विधि क्या है, वर्णन करें। तो इसका उत्तर देखिए, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाता है। जल की बर्बादी रोकने के लिए ड्रिप विधि से सिंचाई करनी चाहिए। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इस तरीके से पाइप रहेगा, यहाँ पर मान के चलिए एक पौधा है, यहाँ पर एक पौधा है, तो यहाँ पर छोटा सा छेद रहेगा जिससे जड़ में डायरेक्ट पानी गिरेगा और थोड़ा सा भी पानी व्यर्थ नहीं होगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए और एक सेट में अपलोड करूंगा, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोनों वीडियो देख लीजिएगा तो आराम से आपका 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।